हेलो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, वेदर रेगुलर सोल या एनसी वेब, नीचे कमेंट करके अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि हाँ भाई, हम ये वीडियो देख रहे हैं। भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो ये है कि क्या डीयू ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं, या फिर एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, या फिर किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा आगे का, हमारा रिजल्ट किस तरीके से आएगा, हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से इवेल्युएट होगी। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग लिए रहने वाली है। सो माय नेम इज सर्च एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डीयू गोइंग टू कैंसिल द एग्जाम्स और नॉट। सो लेट स्टार्ट। भाई सबसे पहले तो एक चीज समझो, एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी ऑफिशियल्स डिसाइड करके आ रहे हैं। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स डिसाइड कर रहे हैं द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू गो अहेड विद ऑनलाइन एग्जामिनेशन। भाई डीयू चाहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन हो। ठीक है भाई, एग्जाम्स ऑनलाइन हो, लेकिन इतना आसान नहीं है भाई। कोई भी एग्जाम लेना वो भी ऑनलाइन इतना आसान नहीं रहता। इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कम से कम चाहिए ही होते हैं अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पहली बार। पहली बार अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं तो उसके लिए पोर्टल बनाना पड़ेगा, सारी चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स का कि किस तरीके से वो एग्जाम देंगे और किस तरीके से वो जजिंग होगी उस एग्जाम की। तो भाई कम से कम 6 महीने लगेंगे इस चीज को। तो अब मेरी बात ध्यान समझो, डीयू ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। क्या क्या चाहिए भाई? यूजीसी और एचआरडी मिनिस्टर से साइन चाहिए होते हैं अगर आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने होते हैं तो। बट भाई मैंने आपको क्या बताया कि इन लोगों अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साइन भी अगर ये कर देते हैं, अगर बाय चांस यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री बोल देती है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने हैं, तो भाई कम से कम 6 मंथ्स चाहिए होते हैं प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, पोर्टल तैयार करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दे। नहीं भाई नहीं, इम्पॉसिबल है ये। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये चीज इम्पॉसिबल रहती है। हाँ मैं मानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एशिया में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, स्टिल इसके लिए भी ये चीज कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लाखों बच्चे पढ़ते हैं रेगुलर एसओएल और एनसी वेब में, तो भाई जजिंग करना कोई ये मजाक वाली बात नहीं है। कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो अभी तो आप लोग भूल जाओ कि आप लोग के एग्जाम होने वाले। भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होंगे नहीं। दूसरी बात रही ऑफलाइन, भाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्या यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेजेस रीओपन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, आगे देखो भाई आगे देखो। अब मेरी बात ध्यान समझो कि जो कोरोना वायरस के केसेस है, भाई कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। कोरोना के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। आज 22 तारीख है भाई, आज 22 तारीख है और 22 अप्रैल है आज, और 20,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। भाई 20,000 से ज्यादा केसेस 22 अप्रैल को हो गए, यानी कि लॉकडाउन के चलते, भाई लॉकडाउन के चलते भी 20,000 केसेस इंडिया में हो चुके हैं। तो सोचो अगर ये लोग लॉकडाउन को खत्म कर देंगे तो कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है, कितनी ज्यादा सिचुएशन डेंजर हो सकती है। ये नंबर 10 गुना बढ़ सकता है भाई, ये नंबर 10 गुना बढ़ सकता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। अगर 3 तारीख को, अगर 3 मई को लॉकडाउन ओपन हो गया तो आप लोग के एग्जाम बाय चांस कंडक्ट कराने के लिए ऑफिशियल्स डिसाइड करें। वैसे डिसाइड नहीं कर सकेंगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो हमारा डेटा कह रहा है कोरोना वायरस से लेके केसेस जो बढ़ रहे हैं इंडिया में, डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, रिकवर्ड भी हो रहे हैं ठीक है, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। 20,000 करीब हो गए आज 22 तारीख को ही। तो आप लोग सोचो कि 3 मई तक ही केसेस बढ़ेंगे और ज्यादा, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो ये शो करता है कि जो केसेस है बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो 3 मई तक आते आते ये केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन चल रही है इंडिया की। लेकिन एक अच्छी बात यह कि इंडिया अभी तक बाकी कंट्रीज के मुकाबले अच्छे से कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन अगर लॉकडाउन खोल दिया गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई 3 मई के बाद ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, कि ऑनलाइन तो हो नहीं सकते, ऑनलाइन को तो 6 महीने चाहिए चाहिए, ऑफलाइन की बात करता हूँ। भाई ऑफलाइन की बात यह है, अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलता भी है तो भाई वो एकदम से ये नहीं होगा कि सारी चीज एकदम से खोल देंगे, जाओ स्कूल भी खुल गए, कॉलेज भी खुल गए, सब कुछ खुल गया, मार्केट खुल गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनको पहले ओपन करा जाएगा, स्कूल कॉलेज को अभी ओपन नहीं करा जाएगा, क्योंकि भाई बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले रहती है। तो स्कूल और कॉलेज को अभी इतनी जल्दी से ओपन नहीं कर सकते भाई, कम से कम जून या जुलाई में ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे, भाई ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे स्कूल और कॉलेज को खोलने का। मई में तो भाई इम्पॉसिबल है कि कोई भी कॉलेज खुल जाए। ठीक है भाई, जून और जुलाई, कम से कम जून और या जुलाई के मंथ में आप लोग कॉलेजेस ओपन होंगे। अब भाई क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसी कॉलेजेस ओपन होंगे, टीचर्स आएंगे वहां पे, बोर्ड की कमेटी बैठेगी, पूरी की पूरी टीम बैठेगी, एग्जामिनेशन बनाएगी, फॉर्म आप क्वेश्चन पेपर्स तैयार करेंगी, इवेल्युएट होगा, सब चीजें होंगी।
तो भाई इसमें टाइम लगेगा। तो भाई अगर ऑफलाइन भी कंडक्ट कराने एग्जाम तो कम से कम 3 महीने चाहिए, कम से कम 3 महीने चाहिए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं तो। 3 महीने भाई, तो अभी चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। भाई अगर आप लोग एग्जाम्स होंगे तो अगस्त में होंगे। भाई डेटा का मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, अगर आप लोग एग्जाम्स होंगे डीयू के, चाहे वो सोल को हो, चाहे वो एनसी वेब हो, चाहे वो रेगुलर हो, आप लोग एग्जाम्स अगस्त में होंगे। ठीक है भाई, अगस्त में होंगे। और अगर ऑनलाइन की बात होगी तो ऑनलाइन में तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा पूरा पूरा। और अगर ऑफलाइन होंगे तो अगस्त में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, अभी कोई एग्जामिनेशन से लेके कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, बस ऑफिशियल्स डेली मीटिंग कर रहे हैं छोटी मोटी कैसे कैसे करना है, लेकिन अभी आप लोग एग्जाम से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। डेट शीट भी अभी रिवाइज होगी, पहले वाली तो पहले कैंसिल हो गई थी, तो अगस्त में आप लोग के ऑफलाइन एग्जाम्स के होने के चांसेस, एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। सो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझ आ गया है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।